इस असीमित ब्रह्मांड में एक धूल के कण के बराबर है हमारी धरती, लेकिन हम अपनी जिंदगी इस नजरिए से कहां देखते हैं। हम तो अपनी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक रिपीट मोड में जीते हैं। हमें लगता है कि ये दुनिया हमेशा से यहां थी और हमेशा चलती रहेगी, लेकिन हमारी ये सोच एक भूल भी हो सकती है, क्योंकि अतीत में ऐसा सैकड़ों बार हो चुका है जब हमारी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही घटनाओं के बारे में जब हमारी दुनिया बस खत्म ही होने वाली थी। द बुनीला कॉमेट, साल 1883। एस्ट्रोनॉमर जोस बुनीला ने देखा कि 500 धूमकेतु सूरज के पास से गुजर रहे थे। उस समय ज्यादातर वैज्ञानिकों ने बुनीला की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब साल 2011 में बुनीला की खोजों को इन्वेस्टिगेट किया गया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वो 500 धूमकेतु एक बहुत बड़ी धूमकेतु से टूटकर धरती की ओर तेजी से आ रहे थे। इन धूमकेतुओं में से हर धूमकेतु 800 मीटर चौड़ा था और ये धरती से बस 600 किलोमीटर की दूरी से निकला। अगर इन 500 धूमकेतुओं में से एक भी धरती से टकरा जाता तो उतनी तबाही होती जितनी कि 1000 एटॉमिक बम के बराबर हो। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, साल 1965। बात शीत युद्ध की है, जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन को घेरने के लिए उसके आसपास के देशों में न्यूक्लियर बेस बनाने शुरू कर दिए। इसका उत्तर देने के लिए रशिया ने क्यूबा में अपना न्यूक्लियर बेस बनाने का प्लान बनाया, लेकिन अमेरिका ने क्यूबा को अपने जंगी जहाजों से घेर लिया और रशिया के जंगी जहाजों को आने से रोक दिया। सोवियत लीडर क्रुशेव ने इसे युद्ध की ललकार के तौर पर देखा और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सन 1962 में 13 दिनों तक न्यूक्लियर युद्ध होना लगभग तय लग रहा था। अमेरिका और रशिया दोनों ने ही अपनी अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स एक दूसरे की ओर लॉन्चिंग पैड में तैनात कर रखी थी। अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमण करने का पूरा प्लान बना लिया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट केनेडी अंडरग्राउंड बंकर में जाकर छिप गए थे। युद्ध का माहौल तब जाकर खत्म हुआ जब रशिया ने क्यूबा में अपना न्यूक्लियर बेस बनाने का प्लान रद्द कर दिया और अमेरिका ने भी अपनी न्यूक्लियर बेस तुर्की से हटा दिए। द कैरिंगटन इफेक्ट, साल 1859। इंसान ने अभी तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर देखा था। इस सोलर फ्लेयर से इतनी एनर्जी निकली जो कि 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी। इससे एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया जिससे पूरी दुनिया का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ध्वस्त हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वैसा ही सोलर फ्लेयर आज के समय में आ जाए तो ये इंसानियत के लिए विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि आज के समय हम टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोल्स बस एक खंभा भर रह जाएंगे और आपके ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब सब खत्म हो जाएंगे। नासा का मानना है कि ऐसे फ्लेयर हर 150 साल में एक बार आते ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगला सोलर फ्लेयर आप आने वाले 50 साल में देख सकते हैं। और चौंकाने वाली बात ये है कि सोलर फ्लेयर्स को सूरज से धरती तक पहुंचने में केवल 20 घंटे लगेंगे और हमारे पास सोलर फ्लेयर से निपटने की तैयारी करने के लिए एक दिन भी नहीं होगा। माउंट टेम्बोरा वोल्केनो, साल 1815। दुनिया ने अभी तक का सबसे खतरनाक वोल्केनो देखा जो कि माउंट टेम्बोरा में आया था। इस वोल्केनो से ऐसी तबाही का चक्र शुरू हुआ जिसने रुकने का नाम नहीं लिया। इस वोल्केनो से 175 क्यूबिक किलोमीटर की धूल और पत्थर दुनिया भर में फैल गए। दुनिया भर में बड़े बड़े चक्रवात देखे गए और 5 मीटर ऊंची सुनामी पूरी दुनिया में देखी गई। इस वोल्केनो से निकली हुई राख 1300 किलोमीटर दूर तक पाई गई, जिससे सूरज की रोशनी का धरती तक आना मुश्किल हो गया और पूरी धरती का टेम्परेचर असामान्य रूप से नीचे गिरने लगा। इससे पूरे नॉर्थ अमेरिका में अकाल पड़ गया और पूरे के पूरे यूरोप में महामारी फैल गई। ऐसे अचानक से हुई धरती की कूलिंग की वजह से सन 1816 एक ऐसा साल बन गया जिस साल पूरी दुनिया में गर्मियां ही नहीं आई। द नॉर्वेजियन रॉकेट इंसिडेंट, साल 1995। अमेरिका के साइंटिस्ट
नॉर्वेजियन लाइट्स की स्टडी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने नॉर्वे से एक रिसर्च रॉकेट भेजा, लेकिन रशिया को लगा कि ये न्यूक्लियर बम हो सकता है। वो शीत युद्ध का समय था, जिसके हिसाब से रशिया के प्रेसिडेंट येल्सिन को 8 मिनट का समय दिया गया, ये सोचने के लिए कि न्यूक्लियर मिसाइल का जवाब न्यूक्लियर मिसाइल से देना है या नहीं देना है। लेकिन इससे पहले कि प्रेसिडेंट येल्सिन न्यूक्लियर मिसाइल दागने का मन बनाते, रिसर्च मिसाइल बिना किसी को क्षति पहुंचाए समुद्र में गिर गई, तो इस प्रकार एक न्यूक्लियर युद्ध होने से बच गया। द ब्लैक डेथ। बात है 14वीं शताब्दी की। दुनिया भर में चूहों की ऐसी महामारी फैली जिसकी वजह से 7.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। जिसको भी ये बीमारी होती थी वो 3 दिन में ही मर जाता था। उसका शरीर तब तक फूलता रहता था जब तक कि वो फट ना जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वैसी ही महामारी आज के दिन आए तो उसके परिणाम कई गुना ज्यादा विनाशकारी होंगे। जहां आज की दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना कुछ ही घंटों की बात है और रोज 80 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं, ऐसे में महामारी जितनी तेजी से फैलेगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और हमारे आगे आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।